हेलो गाइस, दिस मी सौरभ मन्ना। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाले आप लोगों का जो आईटीआई वालों का जो सीट अलॉटमेंट लेटर का जो लिस्ट है वो कब जारी किया जाएगा और कब आप डाउनलोड कर पाओगे और कब आपको एडमिशन के लिए जाना होगा, है ना। और मैं ये भी बताऊंगा कि आप लोगों का जो सीट अलॉटमेंट लेटर है वो कैसा टाइप का दिखेगा और उसमें क्या क्या मेंशन रहेगा, सब कुछ मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और एक चीज़ मैं आपके साथ क्लियर करने वाला हूँ, अगर मान लीजिए अगर आपको सेकेंड काउंसलिंग में जाना है और आपको ये फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग आपको कोई कॉलेज आपको पसंद नहीं आया बट आप जाना चाहते हो सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में, तो उसका प्रोसेस क्या है पूरा मैं डिटेल के साथ बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। बारी आप लोग का सीट अलॉटमेंट लेटर आने का और लिस्ट वगैरह आने का, जिसमें से आपको पता चले कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है कि नहीं। तो आप लोगों का जो सीट अलॉटमेंट लेटर और लिस्ट जो जारी करने के लिए जो बोला जाएगा वो है आपका 21 तारीख से लेकर 28 तारीख तक का दिया हुआ डेट, ठीक है। तो आपको क्या करना, इस 21 तारीख से लेकर 28 तारीख तक का डेट में आपको आपका लिस्ट जारी कर दिया जाएगा और उस टाइम आप सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना होगा और आपको एडमिशन के लिए जाना होगा, ठीक है। और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी है एडमिशन टाइम, फिर भी मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट ज़रूरी है। देखें आप लोगों को तो 21 तारीख से आपको एडमिशन के लिए जाना ही होगा, आप लोगों को 21 तारीख का अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा, डाउनलोड करना होगा। और डाउनलोड करने से पहले आपको अलॉटमेंट लेटर लेने से पहले आपको पेमेंट करना होगा अलॉटमेंट लेटर के लिए अलग से, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि इस कॉलेज में एडमिशन ना लेना चाहते हो और आप सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में जाना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, जब आप जाओगे वहाँ पे अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के लिए, वहाँ पे डाउनलोड करने से पहले वहाँ पे दो ऑप्शन रहता है। पहला ऑप्शन ये रहता है कि आप इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो तभी जाकर आप ये अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कीजिए पेमेंट करके, ठीक है, ये फर्स्ट ऑप्शन रहता है। सेकेंड ऑप्शन में ये रहता है कि अगर आप सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में जाना चाहते हो तो उसमें टिक कीजिए, ठीक है। दो ऑप्शन रहता है, तो अगर आप जाना चाहते हो सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में तो आप सेकेंड ऑप्शन में टिक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर आप इसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में जो आपको मिला, अगर उसी कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आप पहला ऑप्शन में चॉइस कीजिएगा, क्लिक करके आप अपना पेमेंट करके आप अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत जन का स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन रहता है कि सर अभी तक तो मेरा डोमिसाइल नहीं बना है, किसी का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बना है, तो देखिए यहाँ पे सब कुछ ओरिजिनल बोला गया है जमा करने के लिए। अगर आपके पास नहीं है तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, आपको ज़्यादा टाइम देगा भी नहीं फॉर्म फिलअप जमा करने, फॉर्म्स वगैरह जमा करने के लिए, ठीक है, वो भी ओरिजिनल। वहाँ पे आपको एडमिशन टाइम में जो 28 तारीख तक, खूब से खूब आपको 28 तारीख तक टाइम देगा और वो लोग बोलेगा कि आप 28 तारीख तक मुझे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इन हैंड जमा कर दीजिए, तभी मैं आपका अप्रूवल लूँगा एडमिशन का, नहीं तो नहीं हो पाएगा, ओके। अब बात करते हैं प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर कैसे दिखने को मिलेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक पीडीएफ है मेरा, ये D2D का पीडीएफ है, पूरा सेम डिटो रहेगा आप लोग का आईटीआई वालों का सीट अलॉटमेंट लेटर, ठीक है। तो क्या क्या चेंजेस रहेगा सिर्फ आपको मैं बता दूँ, यहाँ पे सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ पे जैसा मेरा लिखा हुआ मेरिट लिस्ट फॉर एडमिशन इन इंजीनियरिंग लेटरल एंट्री, यहाँ पे सिर्फ आपका चेंज रहेगा मेरिट लिस्ट फॉर एडमिशन है आईटीआई कोर्स, ठीक है, यहाँ पे ऐसा चेंज रहेगा। यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर रहेगा, ये मेरा एप्लीकेशन नंबर है आईटीआई वालों का ऐसा, यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर रहेगा, आपका नाम वगैरह, कैटेगरी, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ये सब मेंशन रहेगा, ठीक है। और आपने कितना क्वालिफाई किया है मार्क्स एग्ज़ाम में, कितना आपको मिला है, तो यहाँ पे मेंशन रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे एक बॉक्स बना रहेगा कि आपका CML रैंक कितना था, जनरल वालों का सिर्फ CML रैंक मेंशन रहेगा यहाँ पे, जो कैटेगरी रैंक से बिलोंग करते हैं कैटेगरी रैंक यहाँ पे मेंशन रहेगा, जो लोग TFW रैंक से बिलोंग करते हैं उनका TFW रैंक भी यहाँ मेंशन रहेगा, ओके, सब कुछ मेंशन रहेगा ऐसा। और इंस्टीट्यूट का नाम, जैसे मेरा यार दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज, ये D2 ये इंजीनियरिंग वाला का था, ITI वालों को मैं बता दूंगा, ITI वालों को मैं बता दूँ, यहाँ पे इंस्टीट्यूट का आपका कॉलेज का नाम लिखा रहेगा, ओके, आपने जो ब्रांच चूज़ किया उसमें से आपका यहाँ पर ब्रांच लिखा रहेगा। तो अब बात करते हैं यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाना ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे बोला गया डॉक्यूमेंट्स, बोला गया कि फर्स्ट आपका सीट अलॉटमेंट लेटर, जो ये आपका सीट अलॉटमेंट लेटर आपको ले जाना ही है ना, लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल कॉपीज रिक्वायर्ड फॉर एडमिशन। इसके बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट्स बोला गया, द प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर, जो कि मैंने आपको बताया सीट अलॉटमेंट लेटर ले जाना ज़रूरी है, वो भी ओरिजिनल, ठीक है। एडमिट कार्ड, मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट ऑफ क्लास 10th, ठीक है, एडमिट कार्ड भी ले जाना है और आपका मार्कशीट भी ले जाना है ओरिजिनल वाला, वो भी क्लास 10th का, ठीक है, जिन्होंने क्लास 8 के थ्रू किया है उनको क्लास 8 का रिजल्ट ले जाना ज़रूरी है, ओके।
करते हैं आप क्या और भी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स बोला है। लोकल रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जरूरी है, सर्कुलर ऑफिसर या तो सब डिविजनल ऑफिसर, ठीक है, सिविल डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ द झारखंड स्टेट। अगर आपके पास रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है और वो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जो सर्कुलर ऑफिसर या तो SDO से अगर बना हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आप दे सकते हैं, ठीक है। जो लोग EWS सीट से जो लोग फॉर्म फिलअप किए हैं, जिन्होंने EWS में सिलेक्ट किए थे, है ना, तो EWS में भी आपको इनकम सर्टिफिकेट ले जाना ज़रूरी, इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट ले जाना ज़रूरी है, वो भी CO का या तो SDO का, ओके। या तो अगर आपने TFW सीट के थ्रू एडमिशन लिया है तो उनको भी इनकम सर्टिफिकेट ले जाना ज़रूरी है, ओरिजिनल वाला, ओके। और जिन्होंने कैटेगरी सीट के थ्रू फॉर्म फिलअप किया, जैसे ST SC हो गया, तो उनका कास्ट सर्टिफिकेट ले जाना ज़रूरी है सर्कुलर ऑफिसर SDO का, ओके, या तो सर्कुलर ऑफिसर या तो SDO, ठीक है। ये CLC या तो SLC जिसको बोलते हैं स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, जिन्होंने 10th पास किया है वहाँ का SLC मतलब स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट ले जाना ज़रूरी है। SLC आपको स्कूल के माध्यम से मिल जाएगा, आपको बस स्कूल जाना है और बोलना है कि सर मुझे SLC प्रोवाइड करवाइए, तो आपको प्रोवाइड करवा देगा, ठीक है, SLC जिसको हम लोग स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट बोलते हैं। और ये जो सर्टिफिकेट रहेगा वो आपका कॉलेज में जमा हो जाएगा, आपको वापस नहीं मिलेगा, ठीक है। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ज़रूर बनवा लीजिएगा। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए आपका जो डॉक्यूमेंट है, एक फॉर्मेट आपको गूगल में मिल जाएगा कि कैसे रहता है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ठीक है। तो आप वहाँ से डाउनलोड करके आप कोई भी डॉक्टर से लिखवा के आप अपना यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। वन सेट फोटो कॉपीज ऑफ ऑल दी अबव कंसर्न सर्टिफिकेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे जो जो ओरिजिनल बोला है, जैसे आपका रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, इनकम, आपका TFW सीट के लिए इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ये सब का जो, और ये अलॉटमेंट लेटर जो बोला गया है, ये सब का ओरिजिनल के साथ साथ आपको जेरोक्स कॉपीज भी ले जाना ज़रूरी है, वन सेट बोला गया, ओके। और साथ ही साथ आपको 6 कॉपीज़ ऑफ रिसेंट कलर फोटो पासपोर्ट फोटो साइज ज़रूर ले लीजिएगा, फोटो पासपोर्ट फोटो साइज वो भी रिसेंट, ओके, 6 कॉपी ज़रूर ले लीजिएगा। ये सब कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स जो आपको ले जाना है इंस्टीट्यूट एडमिशन के लिए। अगर ये सब में से अगर एक भी अगर मिस रहा, तो भले आपको 28 तारीख तक टाइम देगा, 8 दिन तक आपको टाइम देगा, फिर उसके बाद से आपको, तो उम्मीद करता आपको ये सब पूरा डिटेल समझ में आ गया। तो वीडियो को यही ख़त्म करते हैं, सो वेट करते कल तक, आज तो 20 तारीख है, कल तो आप लोगों का सीट अलॉटमेंट लेटर मिल ही जाएगा, तो उस टाइम आपको पता चल ही जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है अकॉर्डिंग टू योर सीट, ओके। वीडियो को यही ख़त्म करते हैं, थैंक यू।